बुद्ध धर्म को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनाया, इससे देश को क्या लाभ? ये वाकई में मुझे लगता है कि बाबा साहब ने ही इस बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचार करा है, मुझे ऐसा लगता है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से पूछ देता हूँ कि बुद्ध धर्म को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनाया, इससे देश को क्या लाभ है? देखिए, ये कहना क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया, ये साहित्य की भाषा के हिसाब से ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से ठीक है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग व्यक्ति वो तो खुद ही बोधिसत्व थे, और बोधिसत्व जो होता है वो बुद्ध से एक स्टेप नीचे होता है। तो बाबा साहब की तो प्रज्ञा इतनी ज़्यादा जगी हुई थी और बहुत पहले से थी, उन्होंने तो सिर्फ एक स्टाम्प पे जो होता है, जो स्टाम्प था, और लोगों को बताने के लिए कि ये एक अनमोल चीज़ है और ये भारत की ऐसी चीज़ है जिससे भारत सुखमय और हर हालत में समृद्ध और शक्तिशाली और शांतिप्रिय हो जाएगा, एक स्टाम्प का काम उन्होंने किया जिसमें 10 लाख लोगों ने मिलकर उनके साथ में धम्म का अंगीकार किया। बेसिकली वो 10 लाख के 10 लाख लोग पुराने यानी पश्चिमी बौद्ध थे, वो पहले से ही बौद्ध थे, और भारत के अधिकतर लोग पहले से ही पश्चिम बौद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध के समय में और कोई यह पद्धति थी भी नहीं जी इतनी ज़्यादा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि वो बोधिसत्व थे और बड़ा उनको ज्ञान था और वो दुनिया के पहले नंबर के विद्वान माने जाते हैं, तो उन्होंने धम्म को बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना, सीखा, प्रैक्टिस की, और वो जीवन में भी अप्लाई करते थे। उन्होंने समझ लिया बहुत पहले ही कि धम्म भारत को आगे बढ़ाने के लिए समृद्ध है, काबिल है, क्योंकि हिस्ट्री में अध्ययन करने गए होंगे, हिस्ट्री के दो मास्टर थे, बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे सब्जेक्ट के मास्टर थे, मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स थे। तो उन्होंने देखा कि बुद्ध के समय में सम्राट अशोक के समय में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाली राष्ट्र था, और इसकी जो सीमाएं थीं वो बर्मा से लेके और ईरान तक थी, और वहाँ कभी खंडित खंडित भी नहीं हुआ, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में भी नहीं पड़ा। आप अगर ध्यान देंगे, बाबा साहब ने तो खैर इसको अध्ययन किया ही, कि धम्म के जाने के बाद में इस बृहद भारत के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पीछे एक देश और है वो चला गया, बर्मा चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, ये सारे सारे जो देश हैं ये अशोक के बाद गए। तो बाबा साहब ने देखा कि इसमें शक्ति कितनी जबरदस्त है कि ये एक तो ये भारतीय है, भारत में है, इसलिए इसको कोई विदेशी धर्म भी नहीं बोल सकता, दूसरा यह है कि इसमें आडंबर नहीं है, तीसरा यह है कि ये सभी के कल्याण का है, तो सभी का मतलब है भारत में जितने लोग रहने वाले हैं उन सबके कल्याण का है जी, और ये बहुत आसान भी है, इसमें कोई ऐसा प्रपंच नहीं है, और इसको एक आम आदमी सीख के सिखा सकता है, जैसे बुद्ध के समय में जितने भी बुद्ध के स्टूडेंट थे उन्होंने सीखा और आगे सिखाया, उन्होंने सीखा फिर आगे सिखाया, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया तो आप सिखा नहीं सकते, यानी कि आपको सीखने के बाद में स्पेशल एक सेरेमनी की जरूरत नहीं है सिखाने के लिए, आप सिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को सिखा सकते हैं। तो इतनी सारे इसके अंदर क्वालिटी और इतने सारे गुण, इतनी समानता और इतनी आसानी देखते हुए उन्होंने इसको अंगीकार किया, और ये भी खोज की उन्होंने कि ये पूर्व जोकार उन्हीं का है जी, तो इसलिए ये भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना देगा, क्योंकि इसके आने से चोरी कम हो जाती है, भ्रष्टाचार कम हो जाता है, व्यभिचार कम हो जाता है, लोग शराब पीनी छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, ये 5 जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे सारा क्राइम होता है, और ये बाबा साहब ने समझ लिया, इसलिए वो क्राइम नहीं होगा तो देश के लोग आगे अच्छी अच्छी बातों में टाइम लगाएंगे, पढ़ेंगे, और पूरा पूरा देश समृद्ध होगा जी। और हमारे साथ ये ऑनलाइन है अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि बुद्ध की क्या फिलॉसफी है? देखिए, बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो बहुत सरल है, बहुत आसान है जी। बुद्ध ये कहते हैं कि आप अपनी खराब चीजों को कम करते जाइए, आपको अच्छी चीज अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है जी। आप ऐसा मत कहिए कि मैं सच्चा बोलूंगा जी। बुद्ध कहते हैं कि आप ये प्रण मत कीजिए कि मैं सच बोलूंगा जी। आप ये प्रण कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी। तो जब झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेंगे क्या? तो जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप चोरी मत कीजिए, जब चोरी नहीं करेंगे तो ईमानदार अपने आप हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक, तो चीज ठीक हो जाएंगी। तो उनकी फिलॉसफी है कि जो गंदगी आपके ऊपर धूल चढ़ गई है जी, आप उसको झाड़ दीजिए और धूल मत आने दीजिए, इससे आप हमेशा साफ और नहाए हुए रहेंगे। इतनी छोटी सी इसके अंदर फिलॉसफी है।
और बड़े कमाल की है, बहुत काम करती है।